बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। इन दिनों देश भर में बारिश ने अपना कहर मचा रखा है, तो वहीं अगर बात करें मैदानी इलाकों की तो बारिश की फुहारों का लोग अभी भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पहाड़ी इलाकों में ऐसा मंजर सामने आ रहा है जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें अगर देवनगरी उत्तराखंड की तो यहाँ पर एक अलग ही हालात देखने को मिल रहे हैं। केदारनाथ में भारी बरसात की वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिससे सफर करने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ ही आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। वहीं आलम यह है कि बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, साथ ही जगह जगह टूट फूट की खबरें भी सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन होने से केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की भी काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं। आज सुबह से केदारनाथ हाईवे के पास डोलिया देवी में बंद हो रखा है। हजारों यात्री और स्थानीय जनता हाईवे खुलने का इंतजार कर रही है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।